हरे कृष्णा। सनातन धर्म का पालन करने वाले अपनी शिखा कैसे बांधते हैं, देखिए दो तरीके हैं। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड से इस तरह से सारे बालों को इकट्ठा कर लें। उसके बाद आप भी मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा साथ साथ कीजिए, मेरे जैसे साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो मैंने सारे बाल कंघी करके साथ में ले लिए। अब इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया शिखा को, तो अब ये मेरे अच्छे कंट्रोल में आ गए। अब देखिए, एक उंगली मैंने यहाँ नीचे डाली इस तरह से, और देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड से ये बालों को ऐसे ऊपर ले लिया, देख रहे हैं, ऊपर लेके ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया। देखिए बस, अब तो गोल गोल इसको घुमा दीजिए, और घुमाते घुमाते साथ साथ शिखा की जो पोनीटेल है इसको ट्विस्ट भी करते रहिए। देखिए, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया ताकि बाल अलग से निकलेंगे नहीं। अब ये थोड़ा सा बचा है, अब इसको देखिए मैंने अपने थंब से यहाँ पे पकड़ लिया। अब ट्विस्ट करके इसको भी मैंने, ये जो उंगली से मैंने जो ये छेद रोक रखा था अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से, इसके मैंने इसको अंदर डाल दिया इस तरह से गोल करके, देख रहे हैं आप, ये देखिए गोल करके मैंने इसको अंदर डाल के निकाल दिया, तो अपने आप में गांठ लग जाएगी। तो थोड़ी सी शिखा बची है और गोल करके मैंने इसको थोड़ा अंदर ले लिया, अंदर ले लिया। अब यहाँ पे जो थोड़ा लूज है इसको नीचे करके मैंने टाइट कर दिया, और बस हो गया। अब आपको अपनी शिखा खोलनी भी हो तो ये जो लास्ट बाल का थ्रेड है इसे खींच दीजिए, और खुल गई। अब दूसरा तरीका आप भी साथ साथ करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। मैंने शिखा पकड़ ली, सेंटर में पकड़ ली एकदम, लेफ्ट हैंड की दो उंगली ली, दो फिंगर्स को ऐसे नीचे रखा। देखिए ध्यान से देखना अभी मैंने क्या किया, नीचे रख के उंगली से ऐसे घुमा के ऊपर ले लिया, देख रहे हैं आप। अब मैंने बचे हुए बालों को गोल गोल घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो बचे हुए सारे बालों को भी गोल गोल घुमा दिया। अब ये जो ऊपर जो था इसको मैं देखिए अपनी राइट हैंड की फिंगर्स यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल ली राइट हैंड की फिंगर्स को और लेफ्ट हैंड की फिंगर से पकड़ के यहाँ जो मैंने गोल गोल घुमाया था इसको इस होल में से बाहर निकाल दिया, और इस तरह से सीधा करके सेट कर दिया, हो गया।